वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ पिला माने समस्तिंग को मुनासा स्टडी पॉइंट को वेलकम। आउ पिले भल कथा वीडियो गुड़िक तुम्हें सब बड़े एमती आरंभ शेष पर्यटन देखु था सब देखु से बहुत बहुत धन्यवाद। कथा हूँ कल पर्यटन पिला माने आमे जो एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजर क्षेत्रफल संबंधी जो अनुशीलन आम करुले तार आम 10 नंबर पर्यटन पिला माने आम करदे आज आम करवा 11 नंबर टू पिला माने आलोचना करवा ध्यान सहित तुम वीडियो देखिबो आरंभ शेष पर्यटन देखिबो। ओके अच्छा देख दे प्रश्नटी 11 नंबर रोटे चतुर्भुजर चारिबाहुर दैर्घ्य पिले आमको दि जाए 15 सेमी 36 सेमी 52 सेमी और 65 सेमी। प्रथम दुई बाहुर अंतर्गत कोणर परिमाण दि जाए 90 डिग्री तो यार क्षेत्रफल किपर आम निर्णय करवा तो देख पे तत्व लिखिद ए बी सी डी चतुर्भुजर ए बी हूँ पे 15 सेंटीमीटर बी सी हूँ 36 सेंटीमीटर सी डी हूँ 52 सेंटीमीटर ए डी हूँ 65 सेंटीमीटर एवं मेजरमेंट ए बी सी कोणर परिमाण 90 डिग्री गोटे कोण पे समकोण दे अंतर्गत कोण 90 डिग्री बोली तो ए सी कर्ण पे अंकन करवा तो देख पे ए सी केन बाहर करवा ना जेहेतु ए बी सी गोटे समकोण त्रिभुज है ए बी सी समकोणी त्रिभुज आम के बाहर करवा आम कर्णटी ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर पे आम करवा तेल देख 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर तो 225 प्लस 1296 36 वर्ग पे 1296 तो मिसेदे पे आम 1521 रूट ओवर पे बाहर करा पड़ो तो 39 सेंटीमीटर आमर हम तापर पे ये बाहर कर सारापर आम ए सी डी त्रिभुज को जी ए सी डी त्रिभुज ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इजिकल टू के 39 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर पे मैंने हम देख पे ए सी डी त्रिभुज कौन हम पे देख ना ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज एन इक्वाल 39 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर तो इजिकल टू पे 39 स्क्वायर पे हूँ 1521 52 स्क्वायर पे हूँ 2704 मिसेले पे 4225 जहाँकि पे 65 स्क्वायर पे जहाँकि ए डी स्क्वायर सहित पे सामान होगा तेणु ए सी डी एक समकोणी त्रिभुज है तेल ए बी सी त्रिभुज जेहेतु समकोणी त्रिभुज तार क्षेत्रफल हूँ कौन हाफ इंटू समकोणी संलग्न बाहू द्वयर गुणफल अर्थात हाफ इंटू ए पी इंटू बी सी तो हाफ इंटू 15 गुणन 36 आम करवा तो 270 वर्ग सेंटीमीटर पिला हम कहीं 2 क्रमें 36 काटद 18 हम 18 को 15 गुणिले 270 वर्ग सेमी पिला होगा सड़क ए डी सी त्रिभुज को जीवा ए डी सी त्रिभुज क्षेत्रफल हूँ हाफ इंटू ए सी इंटू पे सी डी से समकोणी संलग्न बाहू द्वयर गुणफल हाफ इंटू 39 गुणन 52 कले पे आसो आम 1014 वर्ग सेमी तेल ए बी सी डी चतुर्भुजर क्षेत्रफल किपर हम ना ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस ए डी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल 270 प्लस 1014 इजिकल टू 1284 वर्ग सेमी पे मैंने यहाँ से 11 नंबर 12 नंबर प्रश्न पे शुण गोटे चतुर्भुजर दुईट बाहुर दैर्घ्य 8 मीटर और 15 मीटर एवं सेमानकर अंतर्गत कोण गोटे समकोण अटे जदि अन्य बाहु दुईटर दैर्घ्य प्रत्येक 17 मीटर हूँ तेरे चतुर्भुजर क्षेत्रफल निर्णय करा पे आमको दि जाए तो कमी करवा देख ना ए बी सी डी चतुर्भुजर मेजरमेंट बी कोण है 90 डिग्री ए बी है पे 8 मीटर बी सी है 15 मीटर ए डी इज इक्वल टू सी डी पे 17 मीटर तेल ए बी सी त्रिभुज आम आग ए सी पे बाहर करदे ए सी के बाहर ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर तेल 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर कले आम पे पल आसा के 64 युक्त 225 है पे रूट ओवर तो एमती 64 225 मिसेल है 299 रूट ओवर 17 मीटर है पे मैंने तो ए डी सी एक समबाहु त्रिभुज यार प्रत्येक बाहु देख 17 मीटर जदि है देख पे ए डी है 17 सी डी है 17 ए सी 17 तेल ए डी सी त्रिभुज कि प्रकार त्रिभुज हम समबाहु त्रिभुज पे मैंने हमारा ना हम तेल तार क्षेत्रफल किपर ना रूट 3/4 इंटू बाहुर स्क्वायर मुझे से तुमको भिड एक तुमको कही सब तुम्हें चतुर्भुजर क्षेत्रफल निरूपण करने को सब त्रिभुजर क्षेत्रफल गुड़िक मन रखा पड़ो देख ये समबाहु त्रिभुज आसला ना नहीं तो रूट 3/4 इंटु 17 स्क्वायर तो आम गुणागुणी करदे 299 रूट 3/4 वर्ग मीटर है
तापर पहले जेहेतु रूट थ्री मूल्य आम जाने 1.732 तो मूल्य टी पकेबा पकेले 299 गुणन 1.732 डिवाइडेड बाय 4 ताक पहले गुणागुणी करी चार दे पहले हरिले 125.14 वर्ग मीटर प्रायतः हैला। तो एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल कहले हाफ इंटु ए बी इंटु बीसी हाफ इंटु समकोणी संलग्न बाहु द्वारा गुणफल हाफ इंटु 8 × 15 दुई को 8 काटले 4 × 15 चुक 60 वर्ग मीटर है। तापर एबीसीडी चतुर्भुजर क्षेत्रफल कहले एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस एडीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल तो 60 + 125.14 इज एन इक्वल 185.14 वर्ग सेंटीमीटर पे आमर है। तापर आम जी पे 13 नंबर प्रश्न देखा पढ़ा 13 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी ना गोटे चतुर्भुजर बाहूमानकर दैर्घ्य 20 सेमी 16 सेमी 12 सेमी एवं बाहुद्वयर अंतर्गत कोणर परिमाण हो 60 डिग्री हेले क्षेत्रफल निर्णय करने दिगला। देख के एबीसीडी चतुर्भुजरे एबी इज एन इक्वल बी सी 20 सेंटीमीटर एडी इज एन इक्वल 12 सेंटीमीटर सीडी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एबीसी त्रिभुजरे एबी इज इक्वल टू बी सी एवं मेजरमेंट ऑफ बी कोण पिले 60 डिग्री सेठी ए कोण सागे सी कोण कौन हम ना 180 − 60/2 इज इक्वल टू के 60 डिग्री हम तो एबीसी त्रिभुजटे आम कि प्रकार त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज होगा जार आमर एसी है पे 20 तेल एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल कहले रूट 3/4 इंटु 20 स्क्वायर तो पिले 4 को आम जो 20 स्क्वायर पिले 400 को आम 4 काटले हम 100 रूट 3 पिले है जेहेतु रूट 3 मूल्य आम पाखे दत्त अच्छी 1.732 100 को 1.732 गुणले 173.2 वर्ग सेमी आमर होगा। तापर पे गोटे त्रिभुज काम सरीगला द्वितीय त्रिभुज को जीवा द्वितीय त्रिभुज पे एडीसी त्रिभुज एडीसी त्रिभुज एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर अर्थात 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 144 + 256 400 है जोटा कि तृतीय बाहू सहित पिले कौन है तार कर्ण सहित सामान है तेल यहाँ मैं गोटे समकोणी त्रिभुज पिले होगा। यदि समकोणी त्रिभुज है तेल तार क्षेत्रफल किपर हे ना हाफ इंटु एडी इंटु सीडी हम हाँ ना ना पे निश्चिंत भाव हम तो हाफ इंटु 12 × 16 इज इक्वल टू 96 वर्ग सेमी है पे 2 × 12 काटदे 2 × 12 काटे 6 हम 1696 96 वर्ग सेमी पे होगा। तापर आम कौन करवा एबीसीडी चतुर्भुजर क्षेत्रफल कथ आसा दुईटाक त्रिभुजर क्षेत्रफल को जोग करदे हाँ ना ना एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस एडीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल तेल 173.2 × 96 तो यह भाव आसला 269.2 वर्ग सेमी है ना पे तापर जी पे 14 नंबर को जीवा एबीसीडी चतुर्भुजर एबी इज एन इक्वल बी सी 50 सेंटीमीटर एवं मेजरमेंट ऑफ एबीसी कोण होछि पिलाने केते 60 डिग्री तो एडी दत्त अच्छी 30 सेंटीमीटर एडीसी कोण मध्य दत्त अच्छी 90 डिग्री तो चतुर्भुजर क्षेत्रफल किपर निर्णय आम करवा चित्रटी पे सबुथे करु मन ध्यान देकरी क्या चित्रटा पे फास्ट क्या चित्र जब तुम पाखे आसीगला तो परिमित अति सहज हो तुमपाइंका तेल देख एबीसीडी चतुर्भुजर एबी इज इक्वल टू बीसी 50 सेंटीमीटर मेजरमेंट ऑफ एबीसी है 60 डिग्री एडी इज एन इक्वल 30 सेंटीमीटर मेजरमेंट ऑफ एडीसी है 90 डिग्री दत्त एगुड़ा सब लिखिदेव तेल एबीसी त्रिभुजर मेजरमेंट ऑफ बी कोण 90 डिग्री और एबी इज इक्वल टू बीसी हेतु ए कोण आउ सी कोण परिमाण केत हम ना 180 − 60/2 60 डिग्री है जब 60 डिग्री है तेल कौन है पे ना आमर एबीसी त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होगा हाँ ना ना आमर हो गला ताहले आमे कौन करिबा ना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जार एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एसी पिले 50 सेंटीमीटर है पिले पूर्व मुझे एबीसी आमर बी कोण 90 डिग्री सेटा टिके करेक्शन करनेब से पिले 60 डिग्री हम बी कोण 60 डिग्री एबी इज इक्वल टू बीसी ओके। तापर पिले आमे जीवा एडीसी एक समकोणी त्रिभुज रे सीडी केन बाहर करिया पिले ना एसी रो स्क्वायर रु एडी रो स्क्वायर रो वियोग करी तार वर्गमूल निरूपण करबा को पड़िबो तो 50 − 30 ताले 2500 − 900 रूट ओवर हेले 1600 √ 40 सेंटीमीटर आमर हेगला। तो एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल कहले जेहेतु पिले समबाहु त्रिभुज तार क्षेत्रफल होची रूट 3/4 इंटु बाहुर स्क्वायर तो रूट 3/4 इंटु 50 स्क्वायर तो 4 × 25 = 50 स्क्वायर पिले हम 2500 × 4 जब आम काट 625 हम 625 गुणन रूट 3 तो 625 गुणन रूट 3 मूल्य 1.732 रफ्रे पिले गुणी नब ता उत्तर पिले हम 1082.5 वर्ग सेमी से भाला भी एडीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करवा समकोणी त्रिभुज हाफ इंटु एडी इंटु सीडी तो हाफ इंटु 30 × 40 करवा गुणागुणी करदे 600 वर्ग सेमी आमर हम
ताले एबीसीडी चतुर्भुजर क्षेत्रफल कहिले एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस एडीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल 1082.5 + 600 = 1682.5 पिले हमर हम 14 नंबर प्रश्न सब सहज ना नहीं पिला माने वेरी इजी भेरी सबुठार सहज प्रश्न होगुड़िक तुम ध्यान सहित टी मन ध्यान देख सूत्र मन रखीदे गणित पूरा इजी आम पेगा होके पाने जा लास्ट नंबर अनुशीलन 15 नंबर क्वेश्चन को आम बर्तमान आलोचना करवा देखिए ए बी सी डी चतुर्भुजर ए बी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर सी डी इज इज एन इक्वल डी ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यार मेजरमेंट ऑफ ए बी सी कोण परिमाण 90 डिग्री हेले चतुर्भुजर क्षेत्रफल निर्णय कर ताले ए बी सी डी चतुर्भुजर ए बी इज इक्वल टू 36 सेमी बी सी इज इक्वल टू 48 सेमी और मेजरमेंट ऑफ बी कोण होचि प्ले 90 डिग्री ताले ए डी इज इक्वल टू कोण सी डी 50 सेमी दत्त अछि ताले ए बी सी समकोणी त्रिभुजर ए सी कहिले आमे कोण के निर्णय करबा ना आमर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर तो इज एन इक्वल 36 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर रूट ओवर आम करवा तेल के 1296 प्लस 2300 के 4 रूट ओवर 36 रूट ओवर होगा पे 60 सेमी से भाई डीएम देख पे चित्रटी लक्ष्य कर डीएम टा लंब हो सी प्रति अंकन करें तो एम इज इक्वल टू कौन हम ना ए सी बै टू ना ना तो 60 बै टू हेल्ला 30 सेंटीमीटर है तेल ए डी एम त्रिभुज कथा आम चिंता करवा डीएम इज एन इक्वाल ए डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर रूट ओवर तेल 50 स्क्वायर माइनस के 30 स्क्वायर रूट ओवर है केते हम आम ना आम 50 स्क्वायर पिले के 2500 30 स्क्वायर पिले हूँ 900 ताले 2500 माइनस 900 रूट ओवर कले 1600 रूट ओवर हम जोटा कि 40 सेमी हम तो डीएम दरकार हम पाई 40 सेंटीमीटर हाँ ना ना पे तापर आम जा बी सी आउ कौन आमर एबीसी जो त्रिभुज जो रही तार क्षेत्रफल देखा केमी हम ना हाफ इंटू ए सी इंटू डीएम जोटा कि ए डी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल पे ए डी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल कहले हाफ इंटू ए सी इंटू डीएम पे हम भूमि गुणन उच्चता तेल हाफ इंटू 60 गुणन 40 तो 2 को 60 काटे हम 30 30 को 40 गुणन पे 1200 वर्ग सेमी आमर होपर पे हूँ ए बी सी डी चतुर्भुजर क्षेत्रफल कहले ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस ए डी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल मिसेवा पड़ो तेल 864 प्लस 1200 इजानिकल मिसेला पर आमर होगा केते ना 2064 वर्ग सेमी यही प्रकार पे रहा आम अनुशीलन 15 नंबर पर्यटन आम आलोचना कले मुझा करुँच निश्चिंत भाव तुमको बहुत रु बहुत सहज लगी बुझेवा निश्चिंत भाव तुमको भल लगी तुम सब मो कथुक भल भाव शुण भिडियोटी आरंभ शेष पर्यटन देख ए तुम पाठगुड़ी सब पे कम्प्लीट कर यह करोना महामारी परिस्थिति रे तुमको एतिक पे मो तरफ साइपी तेणुक तुम मैंने मन दे पढ़ हाँ ना ओके पे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आउ सब पे तुम वीडियो के आरंभ शेष पर्यटन देखु थाओ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब पे तुम सब करू था ओके बेस्ट ऑफ लक पे।